नमस्कार साथियों, KBS TGT हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा में 16 अध्याय 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत कर किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम्हें न्योता दूं। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित आओ, वहां आओ, उस मंडप को देखो और दो हाथ चौसर ही खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के देशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैं तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यदि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था, वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभी मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दे दो हाथ खेलने। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा और खेल शुरू करूं। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपा, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे, उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव कुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीन दांव युधिष्ठिर हार गए। सपने का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। आभूषण पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है, शकुनी ने पूछा। का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह मेरा जी लगाता हूँ चलो। युधिष्ठिर ने जो उसके साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा भाई सहदेव, जिससे सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी दृष्टि गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीम, अर्जुन, माद्री के बेटों में ज्यादा मूल्यवान है, को बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांच भाइयों के क्या संबंध हैं?
पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूं। चलो, शकुनी तो यही चाहता था, तो यह चला कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से असीम दुर्दैव माने दृष्टि को बेबस कर रहा था। पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। कहते कहते दृष्टि भीम से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? ऋषि ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह भी बाजी ले गया। इस पर शकुनी सभा में बीच खड़ा हुआ और पांचों पांडव को एक एक करके पुकार और घोषणा की कि वे सब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद और पांडव के दुर्दशा पर तरस खाने वालों में हाहाकार से भरा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है। इसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? अर्जुन के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया, चलो अपनी की भी पति की भी मैंने बाजी लगाई। उसके मुंह से यह निकला तो पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की बात इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर बतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया। पर युयुत्सुमा नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संपत्त हो उठा और ठंडी जा भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी के पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी रही। बस फिर ने विदुर को आदेश देते ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रनवास में जाए और द्रौपदी को यहाँ ले आए, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडव से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रौपदी, राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रतिकामी से बोली, रथमान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वो अपने आप को हार गए थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उससे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर सभा के सामने ऋषि से वही प्रश्न किया द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोपहर रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही दृष्टि से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर दृष्टि जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह कहकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम है होता है। तुम्हें जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसे बाल बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे रहा नहीं गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए ऋषि को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले ऋषि की ही पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की ही पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले ऋषि का कोई हक नहीं था।
इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल में जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस खेल के नियम विरुद्ध मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों में विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण तुम अभी बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। खींचता गया तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हाफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा में लोगों की कपकपासी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फफक में ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों में शपथ खाकर कहता हूं, जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, यह उनके पुत्र और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने उपस्थित परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा संतावना दी। उसके बाद वह बोले युधिष्ठिर मुड़कर बोले युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो, दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना आर्य सब ले जाओ और इंद्र। धृतराष्ट्र की मीठी बातों को सुनकर पांडव के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन के उपरांत द्रौपदी और कुंती सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडव के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगा और दुशासन तथा शकुनी को उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों के खेल के लिए एक बार और बुलाने को उसने राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर भी दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी हो वे भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा, इसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में अज्ञात का पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने वादे के किए के अनुसार उनको चले गए। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग धृतराष्ट्र की चिंता, जो कि एक नई वीडियो होगी, तो आप लोग बने रहें इसी श्रृंखला में। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धृतराष्ट्र की चिंता चैप्टर नंबर 17 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।